friends. Wish you all a Merry Christmas. जब कोई घूमने जा रहा है उस जगह के लिए रेडी और स्टडी पर को अभी नहीं बोलेंगी, जब कार्ड में होंगे तभी गो बोलेंगे। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं। आज हम सब पिकनिक मनाने जा रहे हैं जैसे कि हम बचपन में मनाते थे। चलिए आप भी हमारे साथ अपने बचपन में लौट चलिए। आज हम जा रहे हैं डब्बागुली, जो कि तमिलनाडु में है। बेसिकली ये जगह तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर में है। ये करीबन हमारे घर से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा नाश्ता का ऑप्शन नहीं मिलेंगे, जहाँ आपको दिख जाए वहीं पे आप नाश्ता कर लीजिए। ये हम आ गए पहला चेक पोस्ट, यहाँ पे 50 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। सुना है लोकेशन के लास्ट 15 किलोमीटर रास्ता बहुत खराब है, वैसे अभी तक तो रास्ता ठीक ही है, देखते हैं आगे। वैसे रास्ता ज़्यादातर सिंगल रोड ही है पर खाली भी है, बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेंगे ऑन द वे। लगता है यहीं से खराब रास्ता शुरू हो रहा है। पहले हमें लगा कि इस लोकेशन पे ज़्यादा लोग नहीं होंगे, पर हमारे साथ और भी गाड़ियाँ हैं, सो हमारे साथ और भी लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है, सो आप लोग आने से पहले ज़रूर ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी हम लोग तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। बीच का ये 4-5 किलोमीटर रास्ता अच्छा है। ये पेड़ देख के अवतार मूवी का याद आ गया। और ये है यहाँ के लास्ट चेक पोस्ट, यहाँ पे 100 रुपीज करके टिकट है। आप लोग दोनों चेक पोस्ट का टिकट संभाल कर रख दीजिएगा, क्योंकि जब आप वापस आएंगे तो ये लोग फिर से टिकट के लिए पूछेंगे। अगर आप गलती से ये फेंक दिए तो फिर से आपको ये टिकट खरीदना पड़ सकता है। लास्ट चेक पोस्ट के बाद रास्ता बहुत ही खराब है, पर गाड़ी ठीक से चलाए तो कोई भी गाड़ी लेके आप आ सकते हैं। और फाइनली हम अपना डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पे सॉफ्ट सैंड बहुत ही ज्यादा है, तो गाड़ी थोड़ा ध्यान से जगह देख के पार्क कीजिए। छाव के चक्कर में मत जाइए, नहीं तो पक्का फंसेंगे और यहाँ पे आपको मदद करने वाला कोई नहीं होगा। ना तो मोबाइल नेटवर्क है और ना ही आप पैदल चल के किसी से मदद मांगने के लिए जा सकते हैं। और वो रहा कावेरी रिवर। हम इस पेड़ के नीचे खाना और पिकनिक मनाएंगे। वैसे तो हम अपने साथ छोटा वाला गैस लेके आए हैं, पर यहाँ पे बहुत सारा लकड़ियों को देख के ये प्लान बना कि खाना हम लकड़ी की आग से ही बनाएंगे, एकदम बचपन वाला पिकनिक। जब जरूरत होता है गैस को हम लोग सीम कर लेते हैं ना, इधर सीम कैसे करेंगे? इस तरफ ज्यादा लग रहा है, उस तरफ कम, इसमें तेल इधर आ रहा है। ठीक है, इतना ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं है। डाल रही हूँ, वो तो और भी खतरनाक है, उसके भी ये डाल।
जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि सॉफ्ट सैंड में गाड़ी फंस सकती है। अच्छा हुआ हम सब मिलके 2-3 घंटे के प्रयास के बाद ये गाड़ी को हम निकालने में कामयाब रहे। जब तक मैडम लोग नहा के वापस आए तब तक हमारा खाना तैयार हो चुका था। नहाने के बाद सबको जबरदस्त भूख लगी थी और सब जम के खाए। और वो जो पेट पर लटकते हुए आपको दिख रहा है वो लोग भी अपने परिवार के साथ हाजिर हो गए थे, तो उनको भगाना भी एक पार्ट टाइम काम हो गया था जब तक कि हम सभी खाना ना खा ले। और इधर चिल्लर पार्टी नहा धो के खाना खाने के बाद अपना मस्ती फिर से चालू कर दी है। जब सबने लंच कर लिया तो हम तीनों पानी में थोड़ा बचपना करने के लिए गए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना बचा कुचा सामान वहाँ पे ना फेंकें और जगह को साफ सुथरा रहने में अपना योगदान दें ताकि किसी और को भी वो जगह अच्छा लगे। सब कुछ होने के बाद हम लोग 4:30 बजे तक वहाँ से रवाना हो गए क्योंकि हमें दिन के उजाले में ही वो खराब रास्ता क्रॉस करना है और चेक पोस्ट में भी पहुँचना है। ढलते हुए सूरज और जगह का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। यू शुड नॉट मिस दैट। अभी हम वापस वही एवेटर वाला पेड़ के नीचे आ गए और मोगली बन गए। सो हियर इज द बॉटम लाइन, द प्लेस इज वर्थ विजिटिंग विद द फैमिली। यू विल डेफिनेटली लाइक द प्लेस and it is best to visit in groups as helps are very limited and get your own food and water for sure. See you soon guys, till then stay tuned.